लोगों का ऐसा कहना है और कुछ चैनल्स वालों ने भी दिखाया कि इस सेंट मैरी चर्च में जो है कि प्रेत आत्मा और भूत इस तरीके की घटनाएं सामने आई और जी हाँ, कॉलेज के सामने बने इस चर्च का निर्माण 1837 में बरेली के चैपलेन ने कराया। बताया जाता है 1813 से 14 के बीच जब शाहजहांपुर को नए जिले की मान्यता मिली, अब यहाँ कोई चर्च नहीं। फिल्म जुनून भी यहीं पर सेना के बाद यहाँ के बाद 18 पर प्रार्थना शुरू कराई। शाहजहांपुर में जीएफ कॉलेज के सामने बने इस चर्च के बारे के इतिहास के बारे में अभी हमने आपको बताया, लेकिन कुछ ऐतिहासिक बातें जो इस चर्च के बारे में है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। इस चर्च का नाम सेंट मैरी चर्च है। प्रत्येक रविवार को यहाँ पर प्रार्थना होती है, बच्चे आते हैं, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं और इसका मैदान भी बना हुआ है और उसके पास अभी हाल ही में एक संग्रहालय, शहीद संग्रहालय भी इसी रोड पर बनाया गया। लेकिन एक और जो बहुत बड़ी बात है यहाँ के लिए, जो लोगों के मन में बैठी हुई है कि यहाँ पर कुछ आत्माएं और भूत प्रेत जैसी अफवाहें उड़ती रहती हैं कि इस रोड पर, क्योंकि इतना शांत रोड है, इस रोड पर 8:30 के बाद कोई भी नहीं निकलता। कहा जाता है कि 8:30 के बाद एक कुछ चीजें हम आपको पहले क्लियर कर देना चाहेंगे कि ये जो चर्च है सेंट मैरी चर्च, इसके बारे में कहा जाता है कि 1947 में जब यहाँ पर अंग्रेज सुबह रविवार के दिन सुबह प्रार्थना कर रहे थे, अचानक यहाँ पर कुछ क्रांतिकारियों ने उन पर हमला कर दिया। उस समय शाहजहांपुर में ये पहली शुरुआत थी जब अंग्रेजों पर किसी किसी क्रांतिकारी के द्वारा हमला किया गया। तो जब वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, अचानक हुए हमले से लोग यहाँ पर मारे गए, जिसमें रविवार के दिन यहाँ पर जब प्रार्थना हो रही थी चर्च में, तब काफी यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो मारे गए। उसी बात से लोगों के दिलों में ये चीजें बैठती चली गई, या ऐसा कितनी सच्चाई है ये हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन अभी देखने लगभग 8:30 का समय है और हम लोग इस रोड पर हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जो भ्रम लोगों के दिलों में बैठा था कि ऐसा कहा जाता है कि 8:30 के बाद जो यहाँ से निकलता है तो एक मेम साहब आती हैं और कोई रिक्शे वाला या कोई बाइक वाला होता है उससे लिफ्ट मांगती है। जब वो लोग रोक लेता है तो मतलब जो होता है कि उनके पैर टर्न होते हैं, इस तरह की जो कहानियां बताई जाती हैं, उसी सच को जानने के लिए जब हम लोग यहाँ से आए हैं ना, तो यहाँ पर एक शहीद संग्रहालय भी बना हुआ है। काफी रौनक है और शांतिपूर्ण एरिया है, कैंट एरिया है, तो सुकून तो जाहिर सी बात है रहे हैं। एक एक आदमी आता है जो हैट लगाए होते हैं, वो हैट लगाए होता है और वो सिगरेट के लिए माचिस मांगता है। जैसे ही वो माचिस सामने वाला उसको देता है, इतने में वो गायब हो जाता है। ऐसी कुछ कहानियां किसे आप लोग भी सुनते रहते होंगे, तो उन्हीं चीजों की सच्चाई जानने के लिए जब हम लोग यहाँ आए, तो ये सेंट मैरी चर्च है। आप देख सकते हैं काफी अंधेरे में तो बना हुआ है, लेकिन बहुत पीसफुल एरिया है, ये एरिया है और हर रविवार को ये खुलता है, यहाँ पर प्रार्थना होती है। और जस्ट सामने है गांधी फैजे आम कॉलेज के सामने ही सेंट मैरी चर्च बना हुआ है। लेकिन कुछ चीजें जो भ्रमित तो करती है ना, कि एक डरने वाली बात है, लोग 8:30 के बाद यहाँ से निकलते नहीं है। रेयर केस में अगर किसी को निकलना पड़ जाए तो उसके दिल में बैठ जाती है। सुबह में भी वो इस तरीके की खबरें फैलाता है कि मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया रास्ते में, मुझे इस रोड पर ऐसा कुछ मिला, कोई अंग्रेज था। तो इस तरीके की बातें दिमाग में आई, जिसको देखने के लिए आज हम लोग भी इस चर्च के सामने आए। ये सेंट मैरी चर्च है, 1837 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का शासन था, तो जब यहाँ पर लड़ाइयाँ छिड़ी तो शाहजहांपुर के क्रांतिकारियों ने उन पर हमला किया, तो यहाँ पर कुछ अंग्रेज मारे गए थे। यहाँ पर एक दो गाड़ियां भी निकल रही हैं, इतना कुछ है नहीं, और लाइट्स भी लगी हुई है क्योंकि सामने जीएफ कॉलेज भी है, बगल में शहीद संग्रहालय है, स्पोर्ट्स का मैदान बना हुआ है, उसके बीच में ये सेंट मैरी चर्च।
तो हम लोगों ने आपको दिखाया सेंट मैरी चर्च जो जीएफ कॉलेज के सामने शाहजहांपुर में बना हुआ है, जिसके इतिहास के बारे में भी जितना हो सका उतनी जानकारी आप तक पहुंचाई है। फिलहाल एक बात और है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, यार भूत भूत कुछ नहीं होता ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है लोग यहाँ। और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आगे की नेक्स्ट स्टोरी हमारी क्या होने वाली है।